देखो मैं आपको बताऊंगा लोग कैसे मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आपको भी इस तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। आज मार्केट में गया था, मैं राजमा ले आया था, अच्छा राजमा बोल के मार्केट में बेचा जा रहा है, और घर में लाने के बाद जब उसको मैं पानी में डाला था, पानी में डालने के बाद पता चला कि वो राजमा जो है कच्चा नहीं है बल्कि वो ड्राई है, पहले से वो सुखा के रखा था। और उस राजमा को फिर उन्होंने क्या किया, पानी में डाल दिया, 2 दिन 3 दिन पानी में रख दिया। 2 3 दिन पानी में रखने के बाद उसको पानी से उठाया, उसका कलर चेंज हो गया, फिर वो जो है ज्यादा दाम से मतलब डबल रेट में मार्केट में बेचने लगे। मतलब कितना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं लोगों, मैं आपको दिखाता हूँ। जरा ये देखो, ये राजमा है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा देखने में जो है कच्चा दिखाई दे, हाँ ये देखो आवाज कर रहा है, ठीक है ये देखो, ये देखो ये पूरा के पूरा जो है ड्राई है, अंदर से सूख चुका है, सूखने की वजह से ये आवाज है वहां से निकल रही है, देखा देखो ये आवाज निकल रही है। और जो पानी में रखा था वो पानी वाला भी आपको दिखा, ये देखो ये पानी में रखा था, ये पानी में जो है ये पूरा कच्चा दिखाई दे रहा है पानी से, और ये आपको फोड़ के दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा इसका आवाज ज्यादा निकलेगा, देखो देखो इस तरह से लोगों को जो है मार्केट में बेवकूफ बनाया जाता है। तो आप भी अगर इस तरह का परचेस कर रहे हो मटेरियल को, तो देख के और सोच समझ के जो है परचेस किया करो, नहीं तो फिर आप भी बेवकूफ बन जाओगे और कम दाम की जो मटेरियल रहेगा उसको ज्यादा दाम में आप खरीद लोगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए ये ट्रिक जो है हमेशा या चेक किया करो, कभी भी चीजें अगर राजमा खरीद रहे हो जाके कच्चा बोल के, तो उसको पहले थोड़ा सा हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे अपनी जो उंगली है उससे अच्छे से दबा दो, इस तरह से जो मैं अभी चेक करके दिखाया हूँ, ऐसे दबाने से आवाज निकलेगा अंदर से, और उसको फोड़ो, फोड़ के देखो अंदर से ड्राई रहेगा। अगर अंदर से ड्राई दिख रहा है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी सूखा हुआ है, ये कच्चा नहीं है। कच्चा अगर रहेगा तो अंदर से आवाज नहीं निकलेगा, और इसको फोड़ने के बाद भी आपको अंदर से कच्चा नजर आएगा। इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो डबल पैसे खर्चा होने से। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।